हेलो ऑफ यू, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं स्टार्टिंग कर चुका था, 5-14 चैप्टर चल रहा है अपना। प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर रहे थे, प्राथमिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में मैंने बातचीत की थी। तो कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बातचीत की थी, क्या होती है। सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं की बातचीत की, जो हम पिछला वीडियो में जो हमने कुछ भी पढ़ा ना उसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक क्रिया पढ़ने से पहले हमने आर्थिक क्रिया पढ़ी थी। मैंने कहा मानव अपने जीवन यापन के लिए किसी भी क्रिया के लिए कुछ भी जो भी करता है जिसे उसे आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी मानव कोई भी क्रियाकलाप करें उसे आय प्राप्त होना क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया 5 होती है वैसे, उसमें सबसे पहले हमने प्राथमिक क्रिया की बातचीत की थी। प्राथमिक क्रिया के बारे में मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि प्राथमिक क्रिया वो होती है जो प्रकृति, जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है। उसमें मैंने बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं की बातचीत की थी, जिसके तहत हमने सबसे पहले हमने किसकी भोजन की बात की, भोजन संग्रहण की बात की, आखेट की बात की, पशुपालन की बात की, कृषि की बात की, कृषि के बाद मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, जंगल से इनकी हम बातचीत कर चुके थे। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आखेट और भोजन संग्रहण जो प्राचीनतम या आदिमतम मानव की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है उसकी बातचीत की, कि मानव प्रारंभिक समय में असभ्यताओं से अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी गतिविधि करी थी वो प्रथम कौन सी थी, आखेट और भोजन संग्रहण था। आखेट जीव जंतुओं को, पशुओं को मारना, उनका शिकार करना क्या गलत है, आखेट गलत है। इसके अलावा वो आसपास के जंगलों से, वन में आसपास के जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना और खाने के लिए वहां से बहुत सारी सामग्री को उपलब्ध करना अपने लिए, ये कुछ था। इसके अलावा कहा था मैंने कि अति कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है, मैं कह सकता हूँ विश्व के उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों में ये कार्य किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती थी, उनके पास तकनीक का ज्ञान बिल्कुल ही बहुत कम था, इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है वर्तमान संदर्भ की बात करें तो। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता था, ध्यान रखना इसके अंदर क्या नहीं रहता था, भोजन अधिशेष नहीं रहता था। और भी इसकी छोटी मोटी बहुत सारी विशेषता, इसका छोटा सा पार्ट बच गया था, विश्व के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र वर्तमान में आखेट व भोजन संग्रहण के क्षेत्र है, इसके अलावा वर्तमान परिदृश्य में इसका व्यापारीकरण हो गया कुछ हद तक, तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले इसकी बातचीत करते हैं प्राथमिक, ये तो कल मैंने पढ़ा दिया था आपको। देखो अब इसके बारे में हम क्षेत्र के बारे में बातचीत करते हैं सबसे पहले, कि कौन कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र से पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी, इसको भी नोट कर लेना आप कि कौन कौन से आपको पढ़ता है रहना पड़ेगा। ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर 0° रेखा जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसके बाद 30° उत्तरी, 30° दक्षिण, साउथ हो गया, 30° नॉर्थ हो गया, 60° नॉर्थ, 60° क्या हो गया, साउथ हो गया, यहां पर 90° हो गया नॉर्थ, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये 90° साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इनके बीच वाले इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध कहा जाता है, इसको कौन सा कटिबंध कहा जाता है, उष्णकटिबंध यानी निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, कौन सा है, निम्न अक्षांश का। इस वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी ये कौन सा है, मध्य अक्षांश का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ध्यान रखना। ये वाला क्षेत्र कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध है, ये भी कौन सा है, शीत, इसे बोलते हैं उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, क्योंकि इसके क्षेत्र पढ़ेंगे ना तो हम इसके बारे में आप देखो सब यही बातचीत करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अलावा शीतकटिबंधीय क्षेत्र के, यानी ये विश्व के कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में इसके क्षेत्र है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो पहला क्षेत्र की बात करें, पहला क्षेत्र है उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में कौन कौन से है, तो आपको क्या लिखना है, उत्तरी कनाडा लिखना है, उत्तरी कनाडा, इसके अलावा उत्तरी यूरेशिया लिखना है, एशिया प्लस रूस का उसका यूरोप का क्षेत्र, इसके अलावा आपको लिखना है इसके अंतर्गत दक्षिणी चिली,
दक्षिणी चिली, चिली दक्षिणी चिली, ये हो गए कौन से अक्षांश, उच्च अक्षांश के क्षेत्र की बात हो गई। इसके अलावा इसमें निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में भी इसके कुछ क्षेत्र है, तो दूसरे यहां लिख देता हूं मैं निम्न अक्षांश के, निम्न अक्षांशों में भी कुछ इसके क्षेत्र क्या पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन ब्राजील के अंतर्गत है, कौन सा है अमेजन बेसिन। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दूसरा कौन सा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका इसके अंदर, तीसरा क्षेत्र हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना। तीसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं इसके अलावा चौथा क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सा भाग हो गया आंतरिक भाग। यानी मैं कह रहा हूं एक तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक इसकी यानी निम्न अक्षांशों की बात कर रहे हैं। इसको विश्व के मैप में देखो तो आपको मैं बता देता हूं, देखना है हमें ये बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं उच्च अक्षांशों की। तो उच्च अक्षांशों की बात करें तो ये वाला क्षेत्र आएगा पहले के अंतर्गत, ये उच्च अक्षांश, मैं एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, साफ दे रहा है, ये उच्च अक्षांश है, यानी उत्तरी कनाडा हो जाएगा, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र हो जाएगा उच्च अक्षांश का क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पर एक देश है, ये पूरा का पूरा, इसका नाम चिली है, इस चिली के इस वाले भाग का, ये यहाँ पर इस वाले भाग के अंतर्गत क्या पाया जाता है, ये आर्कटिक और भोजन संघनन का क्षेत्र है। ये तो हो गया पहला क्षेत्र। अब बात करें हम दूसरे क्षेत्र की, इसके अंतर्गत तो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत एक तो अमेजन बेसिन आएगा, ये निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, ये अमेजन बेसिन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अमेजन बेसिन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये अफ्रीका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो जाएगा, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसको आप आसियान कहा जाता है। ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है जिसे आप आसियान कहते हो, ये वाला क्षेत्र है ना, इसके आंतरिक भागों में क्या ये कार्य किया जाता है वर्तमान समय में भी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, देख लेना। ये इसके क्षेत्र हो गए। देखो आधुनिक समय की बात करें तो इन भोजन संग्रहण क्षेत्रों का क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया, क्या हो गया इनका व्यापारीकरण। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, कैसे हो गया देखना, आपको लिखना है कि आधुनिक समय में, आधुनिक समय में क्या रखना, आधुनिक समय में भोजन संग्रह कार्य, भोजन संग्रह के कार्य, आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया, हो गया। कहने का तात्पर्य कि वर्तमान समय में जो इकट्ठा करते हैं वनों से उनका वर्तमान में क्या बोलना है, व्यापारीकरण कर दिया, यानी बेचने के लिए काम में लिए जा रहे, जिसमें से बहुत सारे पौधे होते हैं, उनकी बहुत सारे पौधों की जो जड़ें होती है, इसके अलावा उनकी छाल होती है, उनकी टहनियां होती है, उनसे फल होते हैं, उनको बाजार में परिष्कृत करके बाजार में क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। तो आपको ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक ना। इसमें पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है जिसे आपको क्या रखनी है, जिसे उदाहरण के तौर पर याद रखने कुछ
जिसे छाल होती है, पौधे क्या होती है, छाल, पौधे की छाल का उपयोग, छाल का उपयोग किसके लिए, कुनियन के लिए, सिंकोना का पौधा होता है उसके, इसके अलावा छाल का उपयोग कुनियन चमड़ा तैयार करना, चमड़ा तैयार करना, ये भी आपको याद रखना, क्या करना, चमड़ा तैयार करना। अब देखो पत्तियों का उपयोग, पत्तियों का उपयोग, छाल का उपयोग कुनियन के रूप में आता है और चमड़ा तैयार करने में आता है, जबकि पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में, आपको पता है चाय और कॉफी के किसके रूप में होते हैं, पेय पदार्थ के रूप में होते हैं, इसके अलावा दवाइयों के रूप में किसके रूप में उपयोग में लिया जाता है, दवाइयों में, पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है और दवाइयों के रूप में उपयोग लिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं बनाने के लिए। रेशे, रेशे का उपयोग, उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, किसमें किया जाता है, ध्यान रखना, कपड़ा बनाने में। इसके अलावा रबड़, खूब सारी चीजें हैं, तो ये आप कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे पेड़ के तने का उपयोग, पेड़ के तने का उपयोग रबड़ बनाने में काम में आता है, किस लिए, रबड़। इसके अलावा बालाटा, गोंद, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बनाने में उपयोग किया जाता है। ये आपका आखेट और भोजन संग्रहण क्षेत्र हो गया, चाल का उपयोग कुनेन और चमड़ा तैयार करने में, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ दवाइयां बनाने में, रेशे का उपयोग कपड़ा बनाने में, और पेड़ के तने का उपयोग रबड़ बालाटा गोंद बनाने के। ये वर्तमान समय में इसके कुछ उदाहरण है, जो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका व्यापारीकरण हो गया वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, तो इन चीजों को वर्तमान में व्यापार के उद्देश्य से बेचा जाता है, ध्यान रखना ये थोड़ा। वर्तमान समय में तो इसका महत्व बहुत ही कम हो गया, ध्यान रखना। एक नोट तक अगर एक लाइन लिख लेना, क्या लिखना है देखो, अलग पेन से लिख लेना, कि च्युइंगम को चूसने के लिए च्युइंगम को, ध्यान रखना, नोट तक अगर लिखना है आपको, पता नहीं पूछा ही जा सकते हैं, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को, शेष बचे भाग को चिकल कहा जाता है, चिकल कहा जाता है, तो किसके पेट से बना होता है, जेपोटा के, जो जेपोटा वृक्ष के दूध, उसके दूध से बनता है, ये आपको लाइन याद रखनी है। च्युइंगम आप जानते हो चिपटा वृक्ष होता है, सही सच्चे बाप को क्या कहा जाता है, चिकल कहा जाता है, पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, याद रखना है ये। इसके बाद के अंतर्गत आता है पशुचारण, नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका दूसरा टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण है पशु चारण। देखो आपको कुछ बातें मेरी सुननी है आपको, क्या पशु चारण के बारे में, देखो आखेट और भोजन संग्रह करने के बाद में, देखो आप सोचना, मानव की प्राचीन काल यानी असभ्यता मानव उस समय की हम बातें कर रहे हैं, जब मानव को ऐसे लगने लग गया है कि आखेट करने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अधिशेष नहीं रहता है, तो बहुत दिनों तक लोगों को भूखा ही रहना पड़ता था, तो भूखा रहना पड़ता था, तो मानव को लगा कि इन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, तो उसी से उसका पशु पालन स्टार्ट हो गया था। जब लोगों ने धीरे धीरे ये सोचा कि हम इन जंगलों से होने वाले बहुत सारे जानवर हैं उनका उपयोग हम अपने जीवन यापन करने के लिए, देखो पशुपालन करने वाले जितने भी लोग हैं सारे के सारे मैं आपको बता देता हूं, वो सब के सब, एक मिनट रुकना,
सारे के सारे लोग जितने भी है उन्होंने ये सोचा कि हमें जंगलों से क्या नहीं मिला, आखेट अच्छे से क्या नहीं हो रहा, आखेट नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है कि उनको आसानी से क्या नहीं उपलब्ध हो पाता है, ध्यान रखना क्या नहीं उपलब्ध होता है, शिकार उपलब्ध नहीं होता है, आखेट नहीं कर पाते, जानवर नहीं मिल पाते हैं। तो जब मानव के पास तो बुद्धि है तो उसने सोचा, तो सोच के उसने सबसे पहले क्या, उसके बाद में क्या स्टार्ट कर दिया था, पशु चारण स्टार्ट कर दिया था, यानी पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। जब मानव को ऐसा लगा कि पशुओं को पालना, पशुओं से ही उसका सारा सारा का सारा, ध्यान रखना सारा खर्च, जैसे घरेलू कार्यों में जितने भी उपयोग है वो, इसके अलावा भोजन के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, सब किस पर निर्भर हो गया, मानव पशु पर निर्भर हो गया। तो याद रखना आखेट पर निर्भर उन्होंने महसूस किया तो उसके भरण पोषण नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या पालना स्टार्ट कर दिया था, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। इन्हीं पशुओं को, बहुत सारे पशु है, इन पशुओं को पालकर क्या कर रहे थे, वो अपना जीवन यापन करते थे। ये पशु पालन दो प्रकार का होता है, एक चलवासी पशुपालन होता है या चलवासी पशुचारण होता है, इसके अलावा एक होता है वाणिज्यिक पशुधन या वाणिज्यिक पशुपालन होता है। चलवासी और वाणिज्यिक पशुधन में अंतर क्या होता है, चलवासी पशुचारण कहाँ होता है, चलवासी पशुचारण वर्तमान समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ हमारे बहुत सारे रायका हो गए, रेबारी हो गए, गुज्जर बकरवाल कुटिया, बहुत सारी जनजाति पशुपालन करते हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक पशुधन विश्व के जितने भी विकसित देश है वर्तमान में उसी उन्हीं देशों में हो रहा है। कारण क्या है, उसके लिए बहुत सारे पैसे, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है, उनके लिए अलग से चारा, स्थायी चारागाह का विकास किया जाता है, सारा सिस्टम वो ना किस पर आधारित होता है, पूंजी पर आधारित होता है, और वहां पर किसी एक निश्चित किस्म के पशुओं को पाला जाता है एक बाड़े के अंतर्गत, और जो कृत्रिम पद्धति के रूप से वहां सारा कार्य किया जाता है। जबकि चलवासी पशुचारण में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम वर्तमान समय में चल रहा है ना, जैसे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा झुंड बना लिया है, उसी में अपने परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोषण उसी से करना, किसी भी प्रकार की नहीं, या चारण खत्म हो गया तो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो इस प्रकार से हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आपको लिखना है पशुचारण के अंतर्गत आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह, लिखना आपको क्या, आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया, आखेट पर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि क्या कि, याद रखना आखेट पर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता एवं मानव ने पशु व्यवसाय के विषय में सोचा किया जा सकता, तो मानव ने पशु व्यवसाय के बारे में सोचा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ध्यान रखना। ये पशु चारण दो प्रकार का होता है, ये पशु चारण दो प्रकार का होता है, एक होता है चलवासी पशु चारण, चलवासी पशु चारण, दूसरा होता है व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन ये दो होते हैं, ध्यान रखना, हमें इसको कंपेरिजन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखना इन दोनों को, यहां से आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चलवासी पशु,
देखो चलवा से पशुचारण की बात करें तो ये प्राचीन काल का जीवन निर्वाह का प्रमुख व्यवसाय रहा था। साथ साथ में मैं लिखते ही जाता हूँ जिससे टाइम ज्यादा खराब ना हो। देखो क्या होता है, चलवा से पशुचारण एक चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक यानी जो पशुपालन करने वाले जितने भी लोग हैं, इसमें पशुचारण अपने भोजन वस्त्र आवास, जिसको हम शरण भी कह सकते हैं, आवास औजार वे परिवहन औजार में परिवहन के लिए औजार में परिवहन के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं को पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह ध्यान रखना, पानी व चारागाह की उपलब्धता व गुणवत्ता पानी व चारे की उपलब्धता व गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित ध्यान रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होते रहते थे। ये आपको बात याद रखनी। देखना नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इन पशुचारकों के अपने निश्चित चारागाह होते थे ध्यान रखना। ये बात आपको याद रखना है। देखो क्या बात है, चलवासी पशुचारण में एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय। ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, यानी एक व्यवसाय है जो प्राचीन काल अपने जीवन यापन के लिए किया जाता था। क्या? पशुचारण किया जाता था चलवासी। इनमें जो पशुचारक है, जो व्यक्ति है, वो क्या करते थे? अपने भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए और औजार व परिवहन के लिए इसका पशुओं पर निर्भर रहते। जैसे परिवहन के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता था, इसके अलावा खच्चर का इस्तेमाल करते थे बहुत सारे लोग, गधों का इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा ऊन का इस्तेमाल वस्त्र के रूप में करते थे, खाने के लिए दूध दही मांस का इस्तेमाल करते थे, उन्हीं की खालों से अपने क्या बना लिए जाते थे? आवास बना लेते थे। सारे के सारे किस पर निर्भर थे? पशु। ये पशुचारक होते थे जितने भी, वो अपने पालतू पशुओं को के साथ पानी व चारा की उपलब्धता गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। हम पढ़ेंगे आगे ऋतु प्रवास के बारे में।
और इसके ध्यान ना इन पशु चारकों को अपने अपने निश्चित चारागाह होते थे, ध्यान रखना क्या होते थे इनके चारागाह क्षेत्र होते थे। अब देखो कौन कौन से पशु पाले जाते थे इसके तहत देखना, लिखना देखना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पालते थे, ध्यान रखना कई प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पालते थे, ध्यान रखना कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे मैं बता रहा हूं आपको उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, कहां पर उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, यहां की बात करेंगे। इसके अलावा कहां की बात करेंगे हम, सहारा की बात करेंगे, सारा वह एशिया, सारा एक मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा हम तिब्बत की बात करेंगे, तिब्बत व एंडीज पर्वत की, ध्यान रखना दो पर्वत है, एक रॉकीज होता है एक एंडीज, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में जबकि एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्कटिक क्षेत्र की, आर्कटिक व उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, याद रखना आर्कटिक व उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले जाते थे, देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका, सहारा भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, तिब्बत शीतोष्णकटिबंधीय में आता है, आर्कटिक शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार की यहाँ क्या होते हैं पशुओं को पाला जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर गाय व बैल, गाय व बैल की बात करें इनको प्रमुख रूप से पाला जाता था, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर क्या होती है भेड़ होती है, बकरी होती है, इसके अलावा ऊंट होते हैं, क्या होते हैं ऊंट। यहां ध्यान रखना यहां पर एक तो लामा होगा, कौन से तिब्बत, तिब्बत में नहीं हिमालय क्षेत्र की बात करें यहां पर क्या पाला जाता है, एक तो लामा और याक पाला जाता है, और ये लोग ना रेंडियर नाम का एक कुत्ता होता है उसको पालते हैं, ये किस नाम से रेंडियर नाम का, जो एक छोटी सी गाड़ी को क्या करता है खींचने का काम करता है। ये एस्किमो जनजाति का प्रमुख ध्यान रखना वो था परिवहन का साधन था, ध्यान रखना तो ये प्रमुख पशु की इसके याद रखना चलवासी पशुचारण के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब आगे बात करें इसकी तो चलवासी पशुचारण के कुछ क्षेत्र है, ध्यान रखना चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, देखो चलवासी पशुचारण के तीन क्षेत्र है, कितने क्षेत्र है इसके तीन क्षेत्र है, यह आपको याद रखने है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैप में भी पूछा जा चुका है, मैं आपको मैप में भी इन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। पहला क्षेत्र है पहला उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के एंटार्कटिक तट से, याद रखना कौन सा है उत्तरी अफ्रीका के एंटार्कटिक तट से, एंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका के एंटार्कटिक तट से होते हुए अरब प्रायद्वीप होता हुआ हुआ मंगोलिया, ध्यान रखना होता हुआ मंगोलिया के मध्य चीन तक फैला है, वह मध्य चीन तक फैला है, पहला क्षेत्र ये याद रखना है आपको, उत्तरी अफ्रीका के एंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया व मध्य चीन तक होता है। दूसरा क्षेत्र याद रखना यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश, यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश, ये दूसरा क्षेत्र याद रखना आपको। इसमें तीसरा क्षेत्र याद रखना है कौन सा, तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में,
कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका व मेंडागास्कर। ये तीन प्रमुख क्षेत्र आपको तीनों याद रखने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको तीनों क्षेत्रों के इसके बारे में बता देता हूँ कि तीनों क्षेत्र है कहाँ पर है। देखो ये विश्व का मैप है, विश्व के मैप में हम बात करें तीनों क्षेत्रों की, तो सबसे पहला क्षेत्र है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अपना अफ्रीका। क्या है यहाँ पर? अफ्रीका है, ध्यान रखना ये यहाँ पर अफ्रीका वाला क्षेत्र है। इसकी हमें तुरंत इसको मिटाना पड़ेगा, देख लेता हूँ एक बार से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक आ रहा है। देखो अफ्रीका की बात करें हम सबसे पहले, तो ये हो गया अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तरी अफ्रीका से होते हुए, ये इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। ये कौन सा है? ये अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप से होते हुए ये जाता है मंगोलिया और मध्य चीन का क्षेत्र हो जाएगा। ये सारे क्षेत्र की बात की जा रही है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है, ये मध्य चीन का क्षेत्र हो जाएगा इसके तहत। ये देखो मध्य चीन का क्षेत्र, ये पहला क्षेत्र, ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ये उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया और मध्य चीन का क्षेत्र, तो पहला क्षेत्र तो ये हो गया धार प्रधान। अब हम बात करें दूसरे क्षेत्र की, दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत यूरोप आएगा। कौन सा? ये यूरोप है यहाँ पर, ये एशिया है तो ये भी यूरोप है, जिसको एशिया का साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। इसके टुंड्रा प्रदेश की बात करें जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। दूसरा क्षेत्र हो गया ये यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी अंटार्कटिक का होते हुए अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका का अंटार्कटिक, अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ था। ये कौन से क्षेत्र हो गए? दूसरा। तीसरा क्षेत्र है ये अपना दक्षिणी, और ये हो गया पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। इसके अलावा यहाँ पर है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र ये तीसरे क्षेत्र हो गए। तो ये प्रमुख तीन क्षेत्र आपको इसके याद रखने हैं, किसके? चलवासी पशु चारण के तीनों क्षेत्र। पहला क्षेत्र हो गया ये, दूसरा क्षेत्र हम बात करें तो ये वाला हो गया, और तीसरा क्षेत्र यहाँ पर हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये चारागाह भूमि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। ये थोड़ा सा देखना आप, देखो इसमें आपको आगे लिखना है ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। क्या होता है ऋतु प्रवास? प्रवास इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। देखो कुछ जनजातियां होती है, जो कुछ जनजातियां या जातियां होती है जो किसका पशुपालन का कार्य करती है, वो क्या करती है? अपने चारागाह भूमि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे मान लेना मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिमालय क्षेत्र की गुज्जर, बकरवाल, भुटिया जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां क्या करती है, जातियां क्या करती है, आपको ध्यान होना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जिसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ये क्या कहते हैं? गर्मियों के अंतर्गत ये है ना अपने मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर गमन करने लग जाते हैं, जबकि सर्दियों के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? ये प्रवास करते हैं। इसी प्रवास को किसके नाम से जाना जाता है? ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें लिखना, गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर तथा शीत ऋतु में, या मैं कह सकता हूँ सर्दियों में, शीत ऋतु में पर्वतीय बागों से मैदानी
मैदानी चारागाहों की ओर और ये और के मतलब होता है चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं, प्रवास करते हैं उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कौन सा प्रवास कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। ये भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान रखना, ये भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, ये भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर बकरवाल भूटिया और गद्दी जनजातियों द्वारा, ध्यान रखना कौन कौन सी, गुज्जर बकरवाल भूटिया लोगों के समूह द्वारा ग्रीष्मकाल, या जनजाति की जगह लिखना लोगों के समूह द्वारा, लोगों के समूह द्वारा ग्रीष्मकाल, ध्यान रखना ग्रीष्मकाल किसकी बात करें, कुछ ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से, ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र की ओर, पर्वतीय क्षेत्र की ओर वे शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। इसके अलावा और एक बात याद रख लेना, अगर याद रखना चाहते हो कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत शीतकाल के अंतर्गत वो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल से दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाते हैं। तो ये बात भी आप लिख लेना साथ साथ में। देखना क्या लिखोगे, देखो टुंड्रा प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्मकाल में दक्षिण की ओर व शीतकाल में उत्तर की ओर यानी टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे लिखना आपको, दक्षिण से उत्तर की ओर